और बड़ी खबर, लोरमी से बंद हवा की टीम पर हमला हुआ है। शिकार के आरोपियों पर कार्रवाई करने एक टीम गई थी। रेंजर संदीप सिंह और वनकर्मियों की पिटाई की गई है। वनकर्मियों की टीम को ग्रामीणों ने उठक बैठक करवाई है। शिकारियों को पकड़ने के लिए दरअसल एक टीम गई थी और इन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। रेंजर संदीप सिंह और अन्य वनकर्मियों की ग्रामीणों ने पिटाई की है। वनकर्मियों की टीम को ग्रामीणों ने उठक बैठक करवाई है। दो वनकर्मी घायल हैं, रेंजर संदीप सिंह भी इसमें घायल हैं, यानी कि तीन लोग इस हमले में घायल हुए हैं। रेंजर संदीप सिंह भी इस हमले में घायल हुए हैं। वनकर्मियों से उठक बैठक इस गांव में कराई गई। तो बड़ी खबर, लोरमी से यहां पर वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रात के अंधेरे की ये तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीणों के द्वारा वन कर्मियों के साथ उठक बैठक करवाई जा रही है। ग्रामीण के सामने वन कर्मी उठक बैठक लगा रहे हैं। हालांकि यहां पर पुलिस के कुछ जवान भी दिख रहे हैं। संदीप ठाकुर से जानकारी के लिए लोरमी से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, ग्रामीणों के सामने ये वनकर्मी उठक बैठक कर रहे हैं, हालांकि पुलिस के मुझे जवान भी खाकी वर्दी में इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, क्या पुलिस भी इस दरमियान मूक दर्शक बनी रही? जी, मैं आपको बता दूं सिवन, ये पूरा मामला अचानक में टाइगर रिजर्व के वन ग्राम सुरही क्षेत्र के निवास कार के सामने आया, जहां पर मुंगेली अचानक में टाइगर रिजर्व के डीएफओ विजय कुर्रे का कहना है कि कुछ लोग जो है वो ट्रैप कैमरे में हथियार लेकर शिकार करने की नियत से देखे गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए अचानक में टाइगर रिजर्व की टीम 15 लोगों की गांव पहुंची हुई थी और कुछ सामान भी घरों से जब्ती की गई थी। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा विरोध करते हुए इस पूरे कार्यवाही का मारपीट की गई है और उठक बैठक भी कराया गया है। संदीप, कितने लोग थे वन विभाग की ओर से जिनकी गिरफ्तारी के लिए ये टीम गई थी, इस टीम में कितने लोग शामिल थे? वन विभाग की पूरी टीम में 15 लोग शामिल थे, जिनके द्वारा कुछ जिन जो संदेही थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गए थे, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार करते हुए कुछ सामान की जब्ती बनाई गई थी। और इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा वो जो सरकारी वाहन है उसको घेरते हुए सभी जो गिरफ्तार आरोपी थे उन्हें गाड़ी से नीचे उतारकर उठक बैठक कराते हुए जमकर मारपीट की गई है। मतलब वन कर्मियों के साथ यहाँ पर मारपीट की गई है और जो तीन लोग घायल हुए हैं इसमें, इसमें एक रेंजर भी शामिल है, उनकी फिलहाल हालत कैसी है? रेंजर की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, बिलासपुर में प्राथमिक उपचार चल रही है और एक जो और वन्य कर्मी है उनके हाथ में मोच है। फिलहाल इस पूरे घटना की लिखित शिकायत कराने अचानक में टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर विजय कुर्रे लोरमी थाना पहुंची हुई है, जहां पर लिखित शिकायत दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। जो FIR दर्ज हुई है, जो शिकायत दर्ज हुई है ग्रामीणों की, नामजद हुई है या फिर पूरे की पूरी भीड़ की शिकायत दर्ज हुई है? जी, आपको बता दूं 15-16 ग्रामीण ऐसे हैं जिनका नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और कार्यवाही की लगातार मांग की जा रही है। अजय, एक सवाल मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले भी पूछा था, जो खाकी वर्दी में जो शख्स नजर आ रहे हैं तो ये भी वहां पर थे, इनके साथ और भी क्या पुलिस के जवान थे और पुलिस सब कुछ चुपचाप देखती रही आंखों के सामने? पुलिस के जवान तो फिलहाल मौके पर उपस्थित नहीं थे, सभी जवान अचानक में टाइगर रिजर्व के ही हैं, जो वन विभाग की टीम बनाकर एक कार्यवाही करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अचानक में टाइगर रिजर्व अंतर्गत वन ग्राम निवास कर पहुंचे हुए थे, जहां पर टोटल वन विभाग की टीम के लोग ही मौजूद थे मौके पर। अभी गिरफ्तारी हुई है ग्रामीणों में से किसी की, जिनके नाम से FIR दर्ज हुई है वहां पर थाने में? नहीं, अब तक तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसमें मुंगेली जिले के एडिशनल SP CD तिर्की सहित लोरमी SDOP सहित तमाम पुलिस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आगे की कार्यवाही FIR दर्ज करने के बाद की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे ही को अपडेट आए आप अपडेट दीजिएगा संदीप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया है, 15 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और जो वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी शिकारियों की टीम को पकड़ने के लिए गए थे, उन लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया।
और तस्वीरों में वन विभाग के कर्मी उठक बैठक लगाते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और एक ग्रामीणों का हुजूम है जो तालियां बजा रहे हैं और किस तरह से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि इस हमले के दौरान एक रेंजर और दो वनकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वहां के जो एडिशनल एसपी, उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। हर्षतक में बढ़ते